press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 660 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया। इसमें शादी के लिए 9 जोड़े तय हुए। सम्मेलन में स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर सभापति अशोक खन्ना, राजाराम सोनी, दौलत राम हजरती, KL अरोड़ा, डॉक्टर RK गुल्याणी, देवराज भारती आदि मौजूद रहे। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिवांचन सेतिया ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में परिचय सम्मेलन के जरिए 550 जोड़े तय किए गए हैं। आज पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन 11वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व में सोसाइटी द्वारा 10 परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। प्रतिवर्ष सोसाइटी एक परिचय सम्मेलन आयोजित करती है, साथ ही साथ हर प्रति माह के दूसरे इतवार को एक मिनी परिचय सम्मेलन टाइप, जिसे मेल मिलाप शिविर कहते हैं, किया जाता है। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उसी को देखते हुए लगातार हर वर्ष परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष करीब करीब 50 से 60 रिश्ते लड़के लड़कियों के इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से बीच बीच में हो जाते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी द्वारा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें एक विवरणिका प्रकाशित की जाती है, जिसमें पात्र लड़के और लड़कियों की डिटेल होती है, सारे बायोडाटा तो होते हैं, जिससे पेरेंट्स और बच्चे आराम से उसे देख सकते हैं। हमारा काम केवल परिचय करवाना है, परिचय सम्मेलन करवाना है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। शादी जो भी अभिभावक अपने स्तर पर करना चाहें वो कर सकते हैं। 11वां परिचय सम्मेलन पुरुषार्थी धर्मशाला में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में, जिसके अध्यक्ष कर रहे दिवानचंद जी सेतिया, उनके सहयोगी हैं हरीश जी तनेजा, गिरधारी लाल जी भाटिया, राधेश्याम जी, मदन जी, सबके सहयोग से बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। कितने परिचय सम्मेलन इसमें सारे गाँव से, सारे अलवर से, पूरे जिले से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और सबकी जैसे भी मतलब बैठ रहे हैं हिसाब किताब, और उनका पूरा सबको नाश्ता खाना और रुकने का खाने पीने का सारा इंतजाम है।